वेलकम टू मॉम्स किचन। मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आटा हलवा या फिर काढ़ा का प्रसाद। इसे बनाने के लिए हमने जिन सामग्रियों को लिया है हम देख लेते हैं। हमने एक कप आटा लिया है होल व्हीट, हमने एक कप चीनी लिया है, 3/4 कप या फिर आधा कप हम घी लेंगे। सबसे पहले हम फ्राइंग पैन में घी को डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। अब हम इसमें हमारे जो आटा है उस आटे को अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप इसी तरह इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए 1 से 2 मिनट तक, या फिर जब तक आपका आटा अच्छी तरीके से भून ना जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आएगी। जैसे ही आप इसे भूनेंगे आटे और घी की एक बहुत ही सुंदर सी स्मेल आएगी आपको। ये गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे इसी तरह से कंटिन्यूस चलाते रहिए। गैस की फ्लेम को आप पहले हाई रखिए, फिर आप इसे मीडियम फ्लेम में करके इसे इस तरह से भूनिए। देखिए जो हमारा घी है वो आटे में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 3 कप के करीब पानी डालेंगे। और इसे आप पानी डाल के आप कंटिन्यूसली चलाते रहिए। आपका आटा जो है वो फूल कर डबल हो जाएगा। इसे आप कंटिन्यूसली चलाते रहिए 2 से 3 मिनट तक। ये आपको इसी तरह से चलाते रहना है। अब आप इसमें जो शक्कर या फिर चीनी है आप उसे डालिए और इसे मिक्स करते रहिए। देखिए पहले हमारा ये आटा सूख सा गया था, जैसे ही आप चीनी डालेंगे फिर से ये गीला हो जाएगा। और इसे आप अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक कि ये एक सुंदर सा डो जैसा नहीं बन जाए। ये देखिए किस तरह से ये डो जैसा बन चुका है। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पे बादाम डाला है, आलमंड, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे हम मिक्स कर दे रहे हैं। आप इसमें चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं। ये देखिए मिक्स कीजिए। इसको आप तब तक चलाते रहिएगा जब तक कि आपके पैन में से ये स्टिक ना करे। जैसे ही आप इस तरह से पकाएंगे देखेंगे कि आपके ये पैन में स्टिक नहीं करेगा और ये एक डो जैसा बिल्कुल बन जाएगा। देखिए ये बन चुका है हमारा। ये हमारे आटे का शीरा या फिर आटे का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अभी आप इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व कीजिए। ये देखिए, और ऊपर से बादाम से गार्निश कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब का है उसे आप प्रेस कीजिए और जो बेल है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की जो भी रेसिपी हम बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।